नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, टाटा पावर में आपके लिए पहले ही ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं जो कि अभी स्टॉक में आपको देखने को मिल रहा है। अब जो लोग नए हैं उन्हें एक बार ब्रीफ में समझा देना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक में आपको बताया था कि अगर आपको स्टॉक में खरीदारी करना है तो 220 रुपये के नीचे जब स्टॉक आपके लिए मिले तो आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी एवरेज भी कर सकते हैं। और वही चीज़ें स्टॉक में आपको होती हुई भी दिखाई दी है। देखिए, जैसे जैसे मार्केट में सीधा सीधा निफ्टी की बात करें, निफ्टी में अप एंड डाउन देखने को मिलता है, स्टॉक में भी अप एंड डाउन देखने को मिल जाता है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, कोविड की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में वापस से कुछ रिस्ट्रिक्शन लग चुके हैं और जिसकी वजह से टाटा पावर पर भी इसका सा असर हमें दिखाई दिया। तो बेशक ये सारी चीज़ें आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म में काम करने वाली है। अगर आपके लिए स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिलेगी तो वो शॉर्ट टर्म की गिरावट होगी, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगी। आपके पास लॉन्ग टर्म में एक अपॉर्चुनिटी बनेगी जो कि आप यहाँ से खरीद के फ़ायदा उठा सकते हैं। और वही चीज़ आपको देखने को मिली है आज के सेशन में। आप देख सकते हैं एक शानदार तेजी टाटा पावर में बनी हुई है क्योंकि फ्यूचर का मल्टीबैगर स्टॉक है। स्टॉक के टारगेट आपको पहले ही बता दीजिए कि 300 रुपीज़ तक ये स्टॉक आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, लेकिन पेशेंस वाले लोग ही यहाँ से इस 300 के लेवल का फ़ायदा उठा सकते हैं। विदाउट पेशेंस आपके लिए मार्केट में पैसा नहीं मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ही आपका पैसा और पेशेंस हमें देखने को मिल जाती है। स्टॉक में अगर आप आज बात करें तो अपने प्रीवियस क्लोज से ऊपर के लेवल पर स्टॉक ओपन हुआ है और उसके बाद आप देखेंगे कोई ज़्यादा बड़ा इसमें करेक्शन नहीं देखने को मिला और 21.10 रुपये का ही लो बनाया है और स्टॉक ने 228.25 रुपये का हाई बनाया है और अभी लगभग वहीं पर ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई भी दे रहा है। देखिए, आपके लिए उस दिन भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सब तरीके की बातें, और रहे इंट्राडे की तो वहाँ पर भी हमने सारी चीज़ें देखी और कुछ वैसे ही आपको स्टॉक भी चलता हुआ नज़र आया। तो ये चैनल को फॉलो करना भी नहीं भूलिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा, और अच्छे स्टॉक्स को गिरावट में और करेक्शन में बाय करना भी नहीं भूला करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा दोस्तों।